This is a story about a king named Prithu. Bhupalah Prithuvainyah nama dhanayam abhishiktah prathama samrat. Bhupalah Prithuvainyah. Bhupala means the king. Bhupalah, Nupalah, Nrupah, Bhupah, Mahikshitah, Mahipati, Nupati. These are all synonyms for king. Why am I telling so many words for just a single word, so many synonyms? Because there would be a question. Samanarthaka virudhartaka shabdan likhata for 3 marks. In that particular question, if you know multiple words for a single word, then solving that question becomes very easy. Raja, Rat, Parthiva, Akshmabhrut, Mahipati, Nrupati, Nrupalah, Bhupalah, these all words mean the same, that is king. So Bhupalah Prithuvainyah Nama. Nama means. So King Prithuvainyah means the very first farmer. Prathama means the very first king, actually, not farmer, the very first king coronated on the earth. Abhishikta Samrat, coronated on the earth. King Prithuvainyah means the very first emperor coronated on the earth. Dharayam. Dhara means earth. Dhara means what? Earth. Dharayam is the locative form. Saptami ekvachan ka ye form. Jaise ki malayam malayoho malasu saptami. Likewise, dharayam ye word bana hai. Uska root word hai dhara. Again, do listen the synonyms properly. Dhara, dharitri, dharani, vasundhara, mahi, prithvi, prithivi, bhu, bhumi. These are all again synonyms. Please note them down properly. Jitne bhi aapko yaad aate hai, jitne pakad paate hai, itne sabhi synonyms jarur likh kar rakhiyega taki aage ja karke question solve karne mein koi dikkat nahi aayegi. Again, I repeat the sentence. Bhupalah Prithuvainyah nama dharayam abhishikta prathama samrat. मैं बार बार ये सेंटेंसेस का जो ट्रांसलेशन दोहरा रहा हूं उसका पर्पस ये है कि लाइन बाय लाइन आपको बेहतरीन तरीके से ट्रांसलेशन सभी समझ में आ जाए, उनको आप ठीक तरीके से याद कर पाए और जैसे ही संस्कृत लाइन आप पढ़ते हैं साइमल्टेनियसली आपको उसका जो ट्रांसलेशन है वो भी मेमोराइज हो जाए. तो याद रखिएगा ट्रांसलेशन, भूपाल पृथ्वैन्यः नाम, किंग पृथ्वैन्यः मीन्स द वेरी फर्स्ट एम्परर, सम्राट. सम्राट मीन्स वॉट? एम्परर. अभिषिक्तः, अभिषिक्तः मीन्स कॉरोनेटेड, जिसके ऊपर कॉरोनेशन की सेरेमनी ये की गई. सो कॉरोनेटेड ऑन दी अर्थ. धरायाम, धरायाम मीन्स ऑन दी अर्थ, राइट. सो प्रयाग क्षेत्रे पृथुन्युपस्य राजधानी आसीत. प्रयाग क्षेत्रे, सो वेर इज दिस प्रयाग? राइट नाउ इट इज कॉल्ड काशी, वेर 3 रिवर्स मीट टूगेदर. गंगा, यमुना एंड सरस्वती, ये 3 नदियों का संगम जहां है उसको कहा जाता है प्रयाग. सो प्रयाग क्षेत्रे पृथु नृपस्य राजधानी आसीत. वैसे देखा जाए तो भारतीय उपखंड, यानी उस समय की बात है, बहुत पुराने जमाने की बात है, जहां भारत, पाकिस्तान, तिब्बत, नेपाल, चीन का कई सारा जो प्रदेश है वो सब इकट्ठा था और भारतीय उपखंड बहुत बड़ी ये हुआ करती थी, टेरिटरी हुआ करती थी, तो उस समय की बात है. सो प्रयाग क्षेत्र, वैसे कहा जाए तो ये जो प्रयाग है इट इज द हार्ट ऑफ द अर्थ माना जाता था उस समय, क्योंकि 3 नदियों का संगम वहां से था और वहीं से पूरे राष्ट्र को, जिसको कहे कि जल की उपलब्धि होती थी. सो प्रयाग क्षेत्र, एट द प्लेस प्रयाग. प्लीज डू रिमेम्बर वंस अगेन कि ये जो प्रयाग है, प्रयाग, तो ये प्रयाग के आगे एक वर्ड अटैच हुआ, दैट इज क्षेत्र. क्षेत्र के 2 मतलब होते हैं, एक तो होता है फील्ड, फार्म, दूसरा होता है प्लेस. यहां जो उसका मतलब आ रहा है क्षेत्र का, दैट इज अ प्लेस. सेकेंड लेसन में भी क्षेत्र शब्द आएगा, जो व्यसनी मित्र परीक्षा जो हमारा सेकेंड लेसन है वहां भी आपको क्षेत्र शब्द आएगा, वहां उसका मतलब होगा फील्ड या फार्म. सो हियर प्रयाग क्षेत्रे, एट प्रयाग, एट द प्लेस प्रयाग, पृथु नृपस्य राजधानी आसीत. किंग पृथु हैड इज कैपिटल एट प्रयाग. देन राज्याभिषेक समय, एट द टाइम ऑफ कॉरोनेशन. राज्याभिषेक समय, राज्याभिषेक जब किया जाने वाला था उसको, राज्याभिषेक समय चारणा पृथुन रूपस्य स्तुतिं गातुम उत्सुकाहा. प्लीज डू रिमेम्बर दी लास्ट वर्ड, गातुम उत्सुकाहा. ये वर्ड है संधि वर्ड, इसको अगर डिजोल्व करना है तो संधि डिजोल्यूशन की फर्स्ट ट्रिक जो मैंने आपसे डिस्कस की है, संधि डिजोल्यूशन के जो मेरे ऑलरेडी 2 लेक्चर्स अपलोड हो चुके हैं जहां मैंने 9 ट्रिक्स द्वारा किस प्रकार से आप सभी संधि को डिजोल्व कर सकते हैं इसको डिस्कस किया है, उसमें मैंने आपको बताया हुआ है कि द वेरी फर्स्ट ट्रिक कि जिसमें अगर संधि में म आ जाता है, लेटर म इन एनी फॉर्म, म मा मु मे मई, उसको क्या करना होता है, अटैच विद द फर्स्ट वर्ड, कीप इट हलंत, रिमेनिंग वॉवेल विद द नेक्स्ट वर्ड. सो डिजोल्यूशन क्या हो जाएगा, गातुम प्लस उत्सुकाः. राज्याभिषेक समये चारणाः पृथुन रूपस्य स्तुतिं गातुम उत्सुकाः.
अंडरलाइन द वर्ड और हाईलाइट द वर्ड गातुन. ये मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि एग्जाम में एक सवाल हमें होता है, दैट इज हितवर्थकानि चित्वा लिखत और हितवर्थक तुमंतव्यानि चित्वा लिखत. अभी ये जो हितवर्थक तुमंतव्य होते हैं वो कैसे बनते हैं, सिंपल, जिनका भी एंडिंग, जिन वर्ड्स का एंडिंग तुम इतुम स्तुम धुम से होगा, तुम इतुम स्तुम धुम से होगा, वे सभी वर्ड्स हितवर्थक धातुसाधित तुमंतव्य कहलाएंगे. तो हमें क्या करना है, सिंपली उनको हाईलाइट करते रखना है. तो जब जब भी हम टेक्स्ट बुक पढ़ेंगे आसानी से हम उनको खोज पाएंगे और अलग से लिख भी पाएंगे, तो उनको हाईलाइट जरूर कर लें. तो राज्याभिषेक का समय एट द टाइम ऑफ कॉरोनेशन, राज्याभिषेक का समय मीन्स व्हाट, एट द टाइम ऑफ कॉरोनेशन चारणाः पृथुनृपस्य स्तुतिं गातुम उत्सुकाः ब्लड मॉन्गर्स वर ईगर टू प्रेज द किंग. चारणाः, द वेरी ब्यूटिफुल वर्ड, द वर्ड कम्स फ्रॉम द वर्ड चरण, चरण मीन्स लेग्स. देखिए दो प्रकार के पोएट्स हुआ करते थे पुराने जमाने की बात कर रहा हूं. एक तो होते थे कि जो राजा के दरबार में रहकर ही राजा की स्तुति किया करते थे, दूसरे कुछ ऐसे पोएट्स होते थे जो क्या करते थे, गांव गांव घूम करके राजा ने जो भी काम किया है प्रजा के लिए उसको दोहराते हुए अलग अलग गीत उसके ऊपर रचते हुए लोगों तक पहुंचाते थे. ये जो पहुंचाने का जो काम है लोगों तक, राजा का जो काम है वो पोएट्री फॉर्म में जो पहुंचाने का काम है ये अपने पैदल चलते हुए करते थे, इसलिए उनको कहा गया चारण. ओके, इंग्लिश में उसको कहा जाता है ब्लैड मॉन्गर्स. सो ब्लैड इज अ टाइप ऑफ पोएट्री. सो चारणाः पृथुनृपस्य स्तुतिं गातुम उत्सुकाः. सो दे हैव ऑल गैदर्ड टुगेदर फॉर द कॉरोनेशन सेरेमनी एंड राज्याभिषेक के समय एज ही वॉज बीइंग कॉरोनेटेड एज अ किंग. सो दे वर ऑल वेरी मच ईगर टू प्रेज द किंग. गातुम उत्सुकाः, उत्सुकाः मीन्स ईगर, गातुम मीन्स टू सिंग और टू प्रेज. ओके, स्तुतिं गातुम, स्तुतिं, द वर्ड सिनोनिम इज स्तवनम, स्तवनम, स्तुति, स्तोत्रम. ओके, दीज आर ऑल सिनोनिम्स. सो चारणाः को भी एक सिनोनिम याद रखिएगा, स्तुति गायकः. चारणाः एंड स्तुति गायकः, प्लीज नोट डाउन इन योर नोटबुक, चारणाः सिनोनिम इज स्तुति गायकः. राज्याभिषेक समय एट द टाइम ऑफ कॉरोनेशन चारणाः पृथुनृपस्य स्तुतिं गातुम उत्सुकाः ब्लड मॉन्गर्स वर वेरी मच ईगर टू प्रेज द किंग. देन तदा पृथुः आज्ञापयत, तदा पृथुः आज्ञापयत तिष्ठन्तु चारणाः. सी, एज आई सेड अर्लियर ऑल्सो, पृथु इज द ओरिजिनल नेम ऑफ द किंग, एज ही वॉज द सन ऑफ किंग वेन, किंग वेन, दैट्स वाई ही वॉज कॉल्ड एज पृथु वैन्य. ही वॉज द सन ऑफ किंग वेन. ओके, वेन राजा का वो लड़का था इसलिए उसको कहा गया पृथु वैन्य, बाकी उसका जो नाम है वो है पृथु, जहां से पृथ्वी वर्ड आ गया, क्योंकि ही नर्चर द अर्थ और ही टॉट पीपल हाउ टू लिव, हाउ टू फार्म, ओके, एंड लिव लाइक अ सिविलाइज पीपल. सो इसीलिए पृथ्वी ये जो नाम हमें मिला है जो हम हिंदी में वो यूज करते हैं, तो ये नाम जो आया है वो पृथु, ये किंग से, किंग की उसकी याद करने के लिए उसको रखा गया है, उसकी स्मृति के लिए रखा गया है. सो तदा पृथु आज्ञापयत, व्हेन दे वर वेरी मच ईगर टू प्रेज द किंग, ब्लड मॉन्गर्स वर वेरी मच ईगर टू प्रेज द किंग, एट दैट टाइम पृथु आज्ञापयत, पृथु आज्ञापयत, किंग पृथु ऑर्डर्ड, आज्ञापयत मीन्स ऑर्डर्ड. व्हाट डिड ही से, तिष्ठन्तु चारणाः, ओ ब्लैड मॉन्गर्स प्लीज वेट, तिष्ठन्तु, तिष्ठन्तु मीन्स व्हाट, वेट, ओ ब्लैड मॉन्गर्स प्लीज वेट. सो नाउ व्हाट वाज हिज सरप्राइज, ही वाज गोइंग टू गिव, ही सेड यावत मम सद्गुणाः न प्रकटीभवन्ति. सो इट वाज वेरी शॉकिंग फॉर एवरीवन. सो व्हाट डिड ही से, यावत मम सद्गुणाः न प्रकटीभवन्ति तावदहं न स्तोतव्यः, यावत मम सद्गुणाः न प्रकटीभवन्ति तावदहं, ये संधि है ऑब्वियसली, इसको ट्रिक नंबर 6 अगर हम इस्तेमाल करेंगे तो आराम से डिसॉल्व कर पाएंगे, तावदहं न स्तोतव्यः, तावदहं, तावत प्लस अहम, ट्रिक नंबर 6 इस्तेमाल होगी यहां. सो यावत मम सद्गुणाः न प्रकटीभवन्ति, अंटिल माय वर्च्यूज आर नॉट रिवील्ड, जब तक मेरे कुछ सद्गुण ही प्रकट नहीं हो रहे, या तो अंटिल एंड अनलेस आई डू सम गुड वर्क फॉर माय सब्जेक्ट्स, फॉर माय पीपल, व्हाई शुड यू प्रेज मी, केवल मुझे राज्याभिषेक किया जा रहा है इसलिए आपने स्तुति नहीं करनी चाहिए मेरी. सो ही वॉज सेइंग, टिल माय वर्च्यूज आर नॉट रिवील्ड आई शुडंट बी प्रेज, तावदहम न स्तोतव्य, न स्तोतव्य, आई शुडंट बी प्रेज. स्तुति शब्द से यह बनाए स्तोतव्य, एक्चुअली द रूट वर्ब इज स्तु, स्तु मीन्स टू प्रेज, स्तोतव्य नेगेटिव वर्ड है ना, न स्तोतव्य, दैट्स व्हाई शुडंट बी प्रेज्ड. ओके, यावत मम सद्गुणाः न प्रकटीभवन्ति, टिल माय वर्च्यूज आर नॉट रिवील्ड आई शुडंट बी प्रेज्ड, जस्ट बिकॉज आई एम कॉरोनेटेड एज अ किंग यू शुड प्रेज मी,
इट्स of no use. ओके क्योंकि मैंने ऐसा कुछ काम किया ही नहीं है कि आपने मेरी स्तुति करनी चाहिए. और अगर आपको स्तुति करनी ही है स्तवनंतु ईश्वरस्य एव भवेत्. इफ यू वांट टू प्रेज मी डोंट प्रेज इट राइट नाउ. इफ यू वांट टू प्रेज प्रेज द लॉर्ड. स्तवनंतु ईश्वरस्य एव भवेत्. दैट इज अ संधि विच यू कैन डिसॉल्व विद द ट्रिक नंबर 7. टू मात्रास. टू मात्रास मीन्स ए. एज आई टोल्ड यू एक मात्रा ई दोन मात्रा ए एंड ओ मीन्स ऊ. That is trick number 7. तो इसका डिसोल्यूशन क्या हो जाएगा? ईश्वरस्य प्लस एव. सो स्तवनंतु ईश्वरस्य एव भवेत्. अगर आपको स्तुति करनी ही है तो वो किसकी होनी चाहिए? तो प्रेज शुड बी डन ओनली ऑफ द लॉर्ड. प्रेज शुड बी डन ओनली फॉर द लॉर्ड. अगर आपको स्तुति करनी ही है तो वो ईश्वर की करो, मेरी क्यों कर रहे हैं? सो दिस वॉज द सेंटेंस अटर्ड बाई द किंग पृथु एंड इट वॉज वेरी शॉकिंग फॉर एवरीवन. बिकॉज दिस वॉज समथिंग अनकॉमन. क्योंकि राजाभिषेक करके कोई भी राजा बन जाता था. राजा बनने के बाद उसकी स्तुति करने वाले लोग उसके आजू बाजू जमा हो जाते थे. लेकिन ये कुछ ऐसा राजा था जो उसकी जो डिजायरलेस एटीट्यूड है वो हमें यहां से पता चलती है. मैं ये आपके लिए क्यों दोहरा रहा हूं? क्योंकि आपको एक सवाल पूछा जाता है कि किंग पृथुवैन्यस्य गुण वैशिष्ट्यानि लिखत, जो माध्यम भाषा या लिखत के लिए 2 मार्क्स के लिए आपको पूछा जाता है. सो द वेरी फर्स्ट क्वालिटी वी कैन फाइंड फ्रॉम दिस डायलॉग दैट इज डिजायरलेस एटीट्यूड. प्लीज रिमेम्बर दी वर्ड डिजायरलेस एटीट्यूड. वो कैसे पता चलती है? उसका मैंने एक्सप्लेनेशन आपको दिया हुआ है. सो स्तुति गायका पृथ्वी नृपस्य एतादृशीं निस्पृहताम ज्ञात्वा प्रसन्नाः अभवन्. स्तुति गायका पृथ्वी नृपस्य एतादृशीं निस्पृहताम ज्ञात्वा प्रसन्नाः अभवन्. अभी बच्चे लोग स्तुति गायका, अभी मैंने आपको कहा था कुछ देर पहले कि चारणाः एंड स्तुति गायका दीज आर सिनोनिम्स. राइट एंड वन मोर इंपॉर्टेंट ट्रिक आई वॉन्ट टू शेयर. एग्जाम में आपको और एक सवाल पूछा जाता है पूर्व कालवाचकानी चीतवा लिखत, या तो पूर्व कालवाचक त्वांतव्यानी चीतवा लिखत हो. तो ये त्वांतव्य बनते कैसे है? चार एंडिंग फिर से एक बार प्लीज नोट इट नोट देम डाउन. त्वा इत्वा ष्ट्वा द्वा. अगर ये एंडिंग्स होते हैं तो दिस विल बी कॉल्ड एज पूर्व कालवाचक धातु साधित त्वांतव्य. बहुत आसान हो गया. प्लीज हाईलाइट द वर्ड. तो आपको एग्जैक्टली पता होता है कि पैराग्राफ में त्वांत कितने आए हैं, तुमंत कितने आए हैं, लेबंत कितने होंगे. एग्जैक्टली आपको पता होगा. जैसे जैसे मैं आपको आगे सिखाते जाऊंगा मैं आपको बताते जाऊंगा कि कहां आपको हाईलाइट करना है, कहां आपको अंडरलाइन करना है, संधि कैसे डिसॉल्व करनी है, एवरीथिंग. सो दिस इज फर्स्ट लेक्चर. तो ज्यादा डीप डाउन में ग्रामर सेक्शन में नहीं जाऊंगा. तो भी मैंने बहुत सारी ट्रिक्स तो वैसे भी आपके साथ शेयर की है जिससे आपका बहुत सारा समय बचेगा. वीडियो आपको जरूर अच्छा तो लगा ही होगा. ट्रांसलेशन देखते हैं. स्तुति गायका पृथुन रूपस्य एतादृशीं निस्पृहताम ज्ञात्वा प्रसन्नाः अभवन. स्तुति गायका ब्लैड मॉन्गर्स. ब्लैड मॉन्गर्स ज्ञात्वा. ज्ञा मीन्स टू नो एंड ज्ञात्वा. जब जब भी त्वा इत्वा ष्ट्वा द्वा से एंड होने वाला वर्ड होता है उसको आईएनजी लगाया जाता है. इंग्लिश में आईएनजी, संस्कृत में त्वा इत्वा ष्ट्वा द्वा. वेरिएशन है. दैट्स इट. सो ज्ञात्वा मीन्स नोइंग. स्तुति गायका ब्लैड मॉन्गर्स नोइंग पृथुन रूपस्य एतादृशीं निस्पृहता. निस्पृहता मीन्स डिजायरलेस एटीट्यूड. निस्पृहता मीन्स वॉट? डिजायरलेस एटीट्यूड. स्पृह मीन्स टू विश, टू विल, टू डिजायर. निस्पृह मीन्स द वन हु डजंट हैव एनी डिजायर एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन उसका बन जाता है निस्पृहता. सो नोइंग द डिजायरलेस एटीट्यूड. क्या बताया मैंने आपको? स्तुति गायका मीन्स ब्लैड मॉन्गर्स. ज्ञात्वा मीन्स नोइंग. वॉट डिड दे नो? एतादृशीं निस्पृहता. सच अ डिजायरलेस एटीट्यूड ऑफ किंग पृथु. पृथु नृपस्य ऑफ किंग पृथु. प्रसन्नाः अभवन. दे वर वेरी मच प्लीज. बहुत ज्यादा प्रसन्न हो गए कि ऐसा कोई राजा है जो हमें केवल स्तुति करने के लिए उसने अपने यहां नहीं रखा हुआ है, हमारे लिए वो कुछ अच्छे काम भी करने वाला है. सो ब्लैड मॉन्गर्स नोइंग दिस डिजायरलेस एटीट्यूड ऑफ किंग पृथु वर वेरी मच प्लीज. तो विद्यार्थी मित्रों अभी हम क्या करेंगे? फिर से एक बार पूरे ट्रांसलेशन को दोहराएंगे. पैराग्राफ का पूरा ट्रांसलेशन मैं भी आपको दोहराने वाला हूं. आपको क्या करना है? टेक्स्ट बुक अगर आपके पास है तो उसको ठीक से देखते जाइएगा. मैं ट्रांसलेशन रीड करता हूं. ओके उसको आप ठीक से सुनिएगा और हर लाइन का ट्रांसलेशन क्या हो रहा है ठीक से समझने का प्रयास भी कीजिएगा. चलो तो फिर शुरुआत करते हैं. किंग पृथुवैन्य मीन्स द वेरी फर्स्ट एम्परर कॉरोनेटेड ऑन द अर्थ. किंग पृथु हैड हिज कैपिटल एट प्रयाग. At the time of coronation, Ballad mongers were very much eager to praise the king. At the time of coronation, Ballad mongers were very much eager to praise the king. Rajyabhishek samaye
चारणाः पृथुनृपस्य स्तुतिं गातुम् उत्सुकाः. एट द टाइम ऑफ कॉरोनेशन बलार्ड मॉन्गर्स वर वेरी मच ईगर टू प्रेज द किंग. तदा पृथु आज्ञापयत. एट दैट टाइम किंग पृथु ऑर्डर्ड तिष्ठन्तु चारणाः. ओ बलार्ड मॉन्गर्स प्लीज वेट. ओके ओ बलार्ड मॉन्गर्स प्लीज वेट. यावत् मम सद्गुणाः न प्रकटीभवन्ति. टिल माय वर्च्यूज आर नॉट रिवील्ड तावद् अहम् न स्तोतव्य. आई शुडन्ट बी प्रेज्ड. स्तवनं तु ईश्वरस्य एव भवेत्. ओके अगर आपको स्तुति करनी है प्रेज शुड बी डन ओनली फॉर द लॉर्ड. ओके एंड देन नोइंग बलार्ड मॉन्गर्स नोइंग दिस डिजायरलेस एटीट्यूड ऑफ किंग पृथु वर वेरी मच प्लीज बहुत ज्यादा वो क्या हो गए प्रसन्न हो गए. तो इस प्रकार से हमने पहले पैराग्राफ का जो भी ट्रांसलेशन है उसको एक बार फिर से दोहराया है. अब ये एक एक्टिविटी करते हैं. आपको क्या करना है मैं अभी संस्कृत टेक्स्ट फिर से एक बार रीड करने वाला हूं. जस्ट लिसन प्रॉपरली एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग. जब मैं संस्कृत पढ़ रहा हूं क्या आपको उसका ट्रांसलेशन याद आ रहा है उसको एक बार थोड़ा सा चेक कर लेते हैं. लेट्स स्टार्ट. भूपाल पृथुवैन्यः नाम धरायाम अभिषिक्तः प्रथम सम्राट. प्रथम अभिषिक्त सम्राट. प्रयाग क्षेत्रे पृथुनृपस्य राजधानी आसीत. प्रयाग क्षेत्रे पृथुनृपस्य राजधानी आसीत. आई होप कि आपको सभी ट्रांसलेशन जो है ठीक से याद आ रहा होगा. देन राज्याभिषेक समये चारणाः पृथुनृपस्य स्तुतिं गातुम् उत्सुकाः. चारणाः पृथुनृपस्य स्तुतिं गातुम् उत्सुकाः. तदा पृथुः आज्ञापयत. तदा पृथुः आज्ञापयत् तिष्ठन्तु चारणाः. तिष्ठन्तु चारणाः. यावत् मम सद्गुणाः न प्रकटीभवन्ति तावदहं न स्तोतव्यः. यावत् मम सद्गुणाः न प्रकटीभवन्ति तावदहं न स्तोतव्यः. स्तवनन्तु ईश्वरस्य एव भवेत्. स्तवनन्तु ईश्वरस्य एव भवेत्. स्तुतिगायकाः पृथुनृपस्य एतादृशीं निःस्पृहतां ज्ञात्वा प्रसन्नाः अभवन्. स्तुतिगायकाः पृथुनृपस्य एतादृशीं निःस्पृहतां ज्ञात्वा प्रसन्नाः अभवन्. विद्यार्थी मित्रों आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो जरूर अच्छा लगा होगा और पहला पैराग्राफ जो है फर्स्ट लेसन का आपको बेहतरीन ढंग से समझ में आया होगा. उसके अंदर जो मैंने ग्रामर सेक्शन की कुछ ट्रिक्स बताए वो भी आपको समझ में आई होगी. एंड संधि डिसॉल्यूशन की जो मैंने दो वीडियोज रेफर किए जिनकी लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है वो भी आप जरूर देखेंगे. साथ ही साथ हमारा जो यूट्यूब टेलीग्राम का चैनल है उसकी लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं. अगर वो आप ज्वाइन करते हैं तो उसमें बहुत सारी नोट्स एंड अदर वीडियोस में रेगुलरली शेयर करते रहता हूं. सो यू कुड गेट दैट बेनिफिट आल्सो. सो इनफ फॉर द डे. लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू.